हेलो राधे राधे। सो मैं हूँ प्रियंका और मैं रहती हूँ गांव में। तो सुबह के बजे 7:15 हुए और यहाँ सुबह का नाश्ता बन रहा है। आपको कुछ आइडिया आज नाश्ते में क्या बन रहा है? तो सो बस चलो, आपको आइडिया आए ना है, मैं आपको बता देती हूँ। आज मैंने सुबह आलू परोठा बनाया, क्योंकि आलू परोठा सुबह के नाश्ते में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, साथ में भविष्य को भी बहुत ही अच्छा लगता है। क्या ना, अच्छे से नाश्ता करके जाए तो लेट टिफ़िन कभी कभार हो जाता है टिफ़िन में, तो उसको अच्छे से थोड़ी भूख की राहत रहे इसके लिए। तो बस मैंने यहाँ पर जो रोटी आती है उसको अच्छे से बेल लिया, और मैंने जो क्या बोलता है मसाला रेडी कर कर रखा था तो बस मैंने उसमें भर दिया और अच्छे से गोल कर कर लोया आता है वही मैं बना दूँगी। तो क्या है ना, हमें आज कुछ काम करना है, क्योंकि आज पार्लर में बहुत ही ज़्यादा कस्टमर आने वाले और बाबू का बर्थडे भी, यानी कि छोटू का, तो मुझे भी कुछ स्किन पैम्परिंग करनी है। और एक गाँव का एक छोटा मोटा मेरा पार्लर है, काफ़ी अच्छा चलता है। तो बस जिस तरह से मेरा पार्लर चलता है उसी तरह से आप मुझे यूट्यूब में भी सपोर्ट करिएगा, तो मेरी यूट्यूब भी अच्छे से चले। तो बस आपको इस वीडियो में थोड़ा सा कुछ पसंद है तो प्लीज़ लाइक चैन करता जाइएगा। तो बस यहाँ पर मैंने आलू परोठों को अच्छे से बेल लिया और बस उसको मैं आयरन के तवे में सेक लूँगी, क्योंकि है ना आयरन के तवे हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है। और मम्मी यहाँ कुछ काम कर रही, नीचे झाड़ू करना है तो बस वही करने के लिए जा रही है, और फिर हम साथ में बैठकर नाश्ता खाएंगे। तो बस यहाँ पर मेरा आलू पराठा बनकर रेडी होने वाला है, और आज कस्टमर भी आने वाले, और आज मेरी एक फ्रेंड हेयर कट करवाने के लिए भी आने वाली है। तो पार्लर में आज से बहुत ही ज़्यादा काम भी शुरू हो गए, क्योंकि फेस्टिवल आते ही क्या है ना पार्लर में कस्टमर आते हैं, और घर का काम भी आपको पता ही है साथ में होता है, और साथ में अभी तो छोटू का बर्थडे भी है, तो सारी प्रिपरेशन मुझे करनी है। तो सुबह सब तो फेस्टिवल भी स्टार्ट हो गई है, तो उसकी वजह से कस्टमर भी अब तो आने लगे। तो बस सारा कुछ काम करना है, और बस एक ही ध्येय है मुझे, बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाना है और अपना ड्रीम पूरा करना है। तो क्या है ना, अब हम सब साथ में बैठकर नाश्ता करें तो क्या है ना, सबके साथ रहना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे अकेले इतना ज़्यादा पसंद नहीं है रहना, तो सुबह सब बातें चीतें बहुत हो गई, और आपको थोड़ा बहुत कुछ वॉइस आपको अलग से सुनने मिलेगा, क्योंकि तो सुबह आपको मेरा यह आलू परोठा कैसा दिख रहा है, और काफ़ी अच्छा है, इसमें जो स्टफिंग आता है काफ़ी अच्छे से दिख रहा है, और दही के साथ खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाता है। तो बस आपको आलू परोठा किसके साथ खाना पसंद है? मुझे तो बस इसके साथ ही खाना पसंद है। और बस थोड़ी देर में कितने बजे थे, आई थिंक 10:30 के आसपास हुआ था, और मेरी कस्टमर आई थी, उनको हेयर कट करवाना था, तो बस मैंने इनका हेयर कट किया, और फिर उसके बाद मुझे मेरी बर्थडे की प्रिपरेशन करनी थी, यानी कि छोटों का बर्थडे आ रहा। और अभी तो फेस्टिवल पे स्टार्ट हो गई, यानी कि नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि के स्टार्ट ही है, बट मुझे अपने फेस पर कुछ करवाना है। तो बस यहाँ पर मैं अपनी चेयर में अच्छे से बैठ गई, और जो मैंने मेरे स्टूडेंट के पास में सब कुछ करवाया था, सबसे पहले उन्होंने मेरा ब्लीच किया। ब्लीच से क्या होता है, हमारी स्किन पर जो डैमेज हो रही होती है वो सारे रिमूव हो जाती है, और स्किन अच्छे से ग्लो करती है। तो बस हमारा जो फेशियल हेयर होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे से गोल्डन हो जाते हैं, तो दिखते नहीं है। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही, तो आपको ढेर सारा आवाज़ आएगा, क्या है ना, मैं आई थिंक 2-3 बजे कर रही हूँ वॉइस ओवर। तो बस मेरा घर आपको बताएं कि गाँव में है, तो बस इसकी आवाज़ आपको आती रहेगी। तो बस यहाँ पर मेरा ब्लीच होकर रेडी हो गया था 10 से 15 मिनट तक, और फिर उन्होंने मेरा फेशियल स्टार्ट किया, तो उन्होंने मेरे अच्छे से मसाज की। और बस क्या होता है ना, कभी कभार हमारी भी पैम्परिंग हमें करनी चाहिए, क्या है ना, हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते रहे, तो हम हमारी स्किन को अच्छे से संभाल नहीं पा रहे, तो बस ऐसे कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो हमें भी अपनी स्किन केयर करनी चाहिए। और बस इसी तरह से मेरा स्क्रब हो रहा है, तो बस चलिए हम आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद नहा धोकर और फेशियल के बाद। छोटू का बर्थडे आ रहा था, उसके लिए मुझे ग्लो अप करवाना था, तो बस मेरा ग्लो अप हो गया, क्योंकि आज मैंने छोटा सा सिंपल सा बस फेशियल ही करवाया, और पीछे बैक में थोड़ा सा मसाज करवाया, क्या है ना वो बहुत ही ज़्यादा ब्लैक हो गया, और मैं लाइव गाउन पहनने के लिए, कैसा होगा टेस्ट करिएगा। और बेबी है, बेबी बॉय है, तो हम सब ने थीम रखी है ब्लू कलर की, तो सुबह आप बर्थडे का बहुत ही ज़्यादा इंतजार करें, और मैं मेरी बेबी के लिए, यानी कि मेरा छोटू के लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष करिएगा। तो सुबह अभी मैं किचन में आ गई हूँ नहा धोकर, तो सुबह अभी बजे 1 बजने आए हैं, और अभी मुझे बनाना है खाना, तो खाने में मैं बना रही हूँ
फ्लावर की सब्जी और साथ में रोटी। तो सोचिए अब हम उसका तड़का लगा देते वरना बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए। घर में ही मेरा ही पालन मैंने सब कुछ करा, पर क्या ना वो जो लड़की है ना वो बहुत ही ज़्यादा लेट आई, इसकी वजह से मैं भी लेट हो गई। तो सो बस अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा ग्लो आया। तो सोचिए जल्दी से खाना बना देते, और आज का रूटीन तो बहुत ही ज़्यादा लेट लेट शुरू हुआ है और लेट लेट ही ख़त्म होगा। तो सोचिए